I don't believe this! Asambhav! तो ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? तो आज फिर से तुम्हारा भाई तुम लोगों के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स और बग्स ग्लिचेस लेके आ चुका है जिनको देखने पर तुम लोग पूरा शॉक हो जाने वाले कि ऐसा भी अपने गेम में हो सकता है क्या, या इतने सारे अपने गेम में बग्स हैं। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में तुम लोगों को काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर सबसे पहले वाले बग को करने के लिए तुम लोगों को सबसे पहले ले लेना अपना सेंटिनो करेक्टर, जो कि अपना ये वाला करेक्टर है। मुझे इसका नाम तो उतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन सेंटिनो ये इसका नाम शायद। तो इसको ले लेना सबसे पहले तुम लोगों को। देन तुम लोगों को चले जाना अपने जो क्राफ्ट लैंड वाला सेक्शन होता है ना उसमें, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग एक ट्रेनिंग मोड देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला। फिर तुम लोग को इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक के बाद मतलब इसको क्लिक करने के बाद तुम लोग फटाक से इसको स्टार्ट कर देना और ट्रेनिंग में चले जाना है। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग एक खतरनाक सा बग में मतलब बताने वाला हूँ जिसको देखने पर तुम पगलाई जाओगे पूरा। मतलब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तुम लोग चले जाना है बैटल फील्ड में। देन जैसे तुम लोग बैटल फील्ड में आते हो ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आते ही आते तुम लोग को मर जाना है। किसी को मारना है तो तुम लोग गोलियां चला सकते हो, लेकिन किसी को मारना मत। तुम लोग को जाते जाते फटाक से मर जाना है किसी के भी हाथों। और जैसे तुम लोग मर जाते हो उसके बाद तुम लोग को रिवाइव होना है, और जैसे तुम लोग रिवाइव होकर आओगे ना तुम लोग तुम्हारा जो सेंटिनो करेक्टर होता है ना उसको एक्टिवेट करना तुम लोग कुछ ऐसे आगे दौड़ के। और जैसे तुम लोग इसे एक्टिवेट करते हो ना थोड़ी देर बाद ना तुम लोग ये गेम को काट के यहाँ पे आ जाना जो कि अपना खरीदने वाला सेक्शन होता है वहाँ पे। देन थोड़ी देर में तुम लोग को अपने करेक्टर वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम लोग देखिए इस बार तुम लोग पूरा बैटल फील्ड में आ चुके एकदम वहां से ही, और मैंने जो बताया तुम लोगों को ध्यान से फॉलो करना है। उसके बाद तुम लोग देखी पा रहे हो तुम्हारा हेल्थ ना यहाँ पे अनलिमिटेड हो चुका है। तुम्हें बंदे मारेंगे लेकिन तुम्हारा हेल्थ जाएगा नहीं। तुम लोग देखी पा रहे हो यहाँ पे मुझे कितने सारे बंदे मार रहे हैं लेकिन मेरा हेल्थ यहाँ पे कम ही नहीं हो रहा है। मतलब कि अनलिमिटेड हेल्थ वाला बग यहाँ पे तुम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। और ये वाला ग्लिच या बग जो भी बोल लो इसे, ये बहुत ही खतरनाक है। तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा हेल्थ ना पूरा फुल हो जाता है, और तुम चाहो ना तो पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड के बंदे को बहुत ही आराम से मार सकते हो क्योंकि तुम्हारा हेल्थ फुल है, तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा और तुम सब मतलब सब बंदों को मार पाओगे। तो इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल एक बार तो जरूर करना। तुम लोग तो जाओ यार अभी इस वाले ट्रिक को मतलब इस्तेमाल करो, उससे पहले हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अब अपना अगला वाला बग भी ना काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि जो अपना बेजेस मिलते हैं ना जो कि टाइटल्स होते हैं, यहाँ पे 7 ईयर वाला टाइटल होता है जो मतलब किसी का नहीं खुला होगा अभी तक। लेकिन मैं तुम लोग एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें तुम लोग ये फ्री में मिल जाएगा। सबसे पहले तुम लोग स्क्वाड में जाना है। देन तुम लोग को ना यहाँ पे मैं एक कोड दिखा दे रहा हूँ, इसको कोड को तुम लोग को कॉपी कर लेना है। तुमको मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, इस कोड को कॉपी कर लेना, ध्यान से देख लो ये वाला कोड। और इस वाले कोड को करने के बाद ना तुम लोग सबसे पहले इसके ओके पे मतलब क्लिक करना है। देन तुम लोग कोड को सेंड करना, उसके बाद देख ही पा रहे हो ऑटोमेटिक ना 7 ईयर ओल्ड वाला बन चुका है कोड, जो कि देखने में ना पूरा एकदम रियल लग रहा है। तुम लोगों को मेरे फोर मतलब जो निंजा वाला है वो आगे जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है उसे मिलाओ और अपने 7 ईयर ओल्ड वाला मिलाओ, मतलब सेम ही तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, कोई डिफरेंस इसमें नहीं होगा। और अभी तक ना किसी बंदे का 7 ईयर ओल्ड वाला नहीं खुला होगा। तो तुम लोग इस वाले बग का इस्तेमाल करके ना तुम लोग अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो कि तुम्हारे पास 7 ईयर ओल्ड वाला बैज है और टाइटल है। मतलब पूरा मतलब तुम्हारे बंदे जो तुम्हारे फ्रेंड्स टीममेट्स होते हैं वो पूरा शॉक ही हो जाएंगे ना कि ऐसे कैसे किसी बंदे का 7 ईयर ओल्ड वाला मतलब ये खुल सकता है, क्योंकि अभी गेम को आए हुए 6 साल हुए हैं तो 7 साल वाला टाइटल कैसे खुल सकता है किसी बंदे का। तो ये वाला बग काफी ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग इस वाले बग का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो, तो जाओ इस वाले बग को ट्राई करो अभी। तो अपने अगले वाले बग को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को जो डुएल वाला मोड आया है ना, जो डुएल एक्टिव स्किल वाला मोड है, इसमें आ जाना है। देन तुम लोग को कोई से भी मतलब कैरेक्टर में अपना जो आलोक होता है ना उसका स्किल लगा लेना है। तुम लोग डीजे आलोक या आलोक के लिए किसी का भी लगा सकते हो। तुम लोग इसको लगाने के बाद सबसे पहले तुम लोग को डुएल कैरेक्टर मोड स्टार्ट कर देना है। मतलब जैसे तुम लोग स्किल वाले मोड में आ जाओगे उसके बाद तुम लोग यहाँ से ना जो अपना ओरिनो कैरेक्टर होता है उसे बाई कर लेना है तुम लोग को। और जैसे तुम लोग अपने ओरिनो कैरेक्टर को बाई कर लेते हो ना, यहाँ पे तुम लोग को वेट करना है बस इस रेड वाले जोन से निकलने के लिए। और जैसे ना तुम लोग इस रेड वाले जोन से निकलते, उसके बाद तुम लोग एक बहुत ही खतरनाक सा ट्रिक करना है। सबसे पहले तो तुम लोग को यहाँ से निकलते हैं जो अपना आलोक होता है, जो आलोक का बटन होता है उस पर क्लिक करना है। और जैसे तुम्हारा आलोक का बटन क्लिक होता है तुम लोग को फटाक से ओरिनो पे क्लिक करके अपने डाटा को ऑफ कर देना है। और जैसे तुम्हारा ओरिनो कैरेक्टर खत्म होगा ना तुम लोग यहाँ पे पूरा गायब हो चुके हो, और यहाँ पे तुम लोग पूरा इनविजिबल हो चुके हो। यहाँ पे तुम लोग को कोई नहीं देख सकता, तुम लोग खुद को नहीं देख सकते हो यहाँ पे। मतलब कि ये वाला बग काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को कोई नहीं देखने वाला, और बहुत ही आराम से तुम लोग यहाँ से पूरा मैप को घूम सकते हो। और अगर तुम लोग ये वाला बग अपने फ्रेंड के सामने करते हो तो पूरा पगलाई जाएंगे कि क्या ही खतरनाक वाला बग है, कोई बंदा कैसे ऐसे गायब हो सकता है अभी आलोक चालू करके। मतलब ये वाला बग लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो इस वाले बग का इस्तेमाल तो जरूर करना बनता है। तो जाओ यार तुम लोग इस बार मतलब एक बार मेरे कहने पे ना इस वाले बग का इस्तेमाल करके देखो, तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा और तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाओगे। तो हाँ शेयर कर दो इससे पहले कि ये वीडियो वायरल हो जाए, तुम लोग शेयर कर दो बस इस वीडियो को।
तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को आ जाना जो अपना ट्रूबो बैटल रॉयल मोड होता है उसमें, देन तुम लोग को देख लेना अपने मैप में जो अपना जो वाला प्लेस होता है ना डैम का, वो तुम्हारा जोन का बाहर होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ जोन होना चाहिए डैम प्लेस। देन तुम लोग यहाँ से निकलना है, कोई सी भी गाड़ी उठानी है, मतलब कोई सी भी गाड़ी ले सकते हो। देन तुम लोग अपनी गाड़ी को दौड़ाते दौड़ते एकदम से डैम पे पहुंच जाना है। और ना जैसे तुम लोग डैम पे आ जाते हो पहले तो सबसे पहले तुम लोग अपनी गाड़ी को लेकर ना आगे आना है यहाँ पे कुछ ऐसे, और तुम लोग को ज्यादा आगे भी नहीं जाना वरना तुम लोग पानी में चले जाओगे। तो सबसे पहले तुम लोग थोड़ा कुछ ऐसे वाले पोजिशन पे आ जाना है। देन तुम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरोगे तुम्हारी गाड़ी पूरी चली जाएगी मतलब जमीन के अंदर। देन तुम लोग एक बार अपने गेम को मिनिमाइज करना, उसके बाद तुम भी चले जाओगे जमीन के अंदर। देन जैसे तुम लोग गाड़ी में बैठोगे तुम्हारी गाड़ी भाई साहब हवा में उड़ने लगेगी, मतलब ये वाला बग काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये तो कम उड़ी है, मैं तुम लोग को अगला वाला दिखाता हूँ। और तुम लोग को थोड़ा सा और आगे करके ऐसे कुछ आते हो ना अंदर, उसके बाद तुम लोग गाड़ी में बैठते हो तुम्हारी गाड़ी इतनी ऊपर हवा में चली जाएगी ना तुम लोग खुद शौक हो जाएगा, जो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं यार उसको जो अपना बीमा शक्ति वाला बड़ा सा टावर होता है ना उससे ऊपर जा चुकी है अपनी गाड़ी उड़ते हुए। मतलब ये वाला बग काफी ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग है, तो इस वाले बग का इस्तेमाल जरूर करो यार। जाओ अभी इस वाले बग को ट्राई करो और इस वाले मतलब बग को और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और लाइक भी कर दो इस वीडियो को। अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को आ जाना परगेटरी मैप में। देन तुम लोग जो अपना स्काई लॉज होता है ना इसके पास आ जाना। तुम लोग जो हरे हरे कंटेनर दो दिखाई दे रहे हैं जो कि अपना पता नहीं क्या चीज़ है इसको बोलते हैं डस्टबिन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे आ जाना है। और तुम लोग मैप में भी देख सकते हो ये वाली जगह कहाँ है। उसके बाद तुम लोग अपने लॉन्च पैड को लेना है मिनी वाले। देन तुम लोग अपने लॉन्च पैड को कुछ ऐसे लगाना जैसे मैंने यहाँ पर सेट किया है। फिर तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, फिर तुम्हारा जो लीव और मिनिमाइज का बटन होता है दोनों को साथ में दबा के गेम में वापस आना है। उसके बाद देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरे डस्टबिन के अंदर आ चुके हो। अब जैसे तुम लोग डस्टबिन के अंदर आया तो यहाँ से आने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारी किल कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पर तुम लोग को कोई नहीं देख पाएगा। और हाँ, डस्टबिन के पास काफ़ी सारे बंदे आते हैं, तो अगर शुरू में तुम लोग लॉन्च पैड लेके यहाँ पे आते हो तो यहाँ से तुम लोग बहुत ही आराम से मतलब खड़े होकर काफी सारे बंदों को मार सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे काफी सारे बंदे आते हैं और कभी कभी अपना ब्लू जोन भी यहीं पे बन जाता है तो बंदे आएंगे ही। तो मतलब ये वाला बग काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम लोग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी है, तो इस वाले बग का जरूर इस्तेमाल करना तुम लोग। अपने लास्ट वाले बग को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग को आ जाना अपने नेक्स्ट मैप पे। देन तुम लोग को जो ए वाला ट्विन ब्रिज के पास जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है ना और ए वाला ब्रिज, तो सबसे पहले तुम लोग को एक बाइक लेनी है। देन तुम लोग को ब्रिज के पास आ जाना है और जो तुम्हारे सामने वो व्हाइट वाला वेयर हाउस दिखाई दे रहा है ना मतलब जो ब्लू टाइप का है उस पर तुम लोग अपने बाइक को मकाते हुए ऐसे कुछ जंप कराना है ब्रिज पे से। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग पूरा इस वाले घर के ऊपर आ चुके हो, जो कि ए वाला घर काफी दूर था ब्रिज से तब भी तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो और ए वाला घर काफी ऊंची जगह पे, तो यहाँ से तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और बहुत ही सारे किल कर सकते हो, क्योंकि इस वाली जगह पे शायद तुम लोग को कोई बंदा नोटिस कर पाएगा। और अगर लास्ट जोन यहाँ पे बन जाता है तो यहाँ से तुम लोग बहुत ही आराम से अपना गेम को भूया भी कर सकते हो, तो ये वाला बग भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसे भी ट्राई जरूर करना तुम लोग। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।